भारत के पूर्वांचल क्षेत्र में मनाए जाने वाली छठ पूजा आगरा में भी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसके लिए लोग भारी तादाद में सुबह से ही यमुना किनारे पहुंच गए और उगते हुए सूरज को देख भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार को सभी श्रद्धालु यमुना किनारे भास्कर भगवान को पहला अर्घ देने पहुंचे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार रामबाग स्थित सीताराम घाट पर कम श्रद्धालु पहुंचे। पहले की अपेक्षा घाट पर भीड़ कम देखने को मिली। मास्क का प्रयोग करते हुए श्रद्धालुओं ने डूबते तो हुए सूरज को अर्घ दिया। कमल जी, जैसे कि अब कोरोना के बाद पहली बार छठ पर्व कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए, घर से कितने लोग आए हैं, पहले कितने लोग आए हैं, कम लोग आए हैं? कम लोग आए हैं। कम लोग आए हैं, क्या दुआ करना चाहती है भगवान से? भगवान चाहती है कि हमने बाहर से कोरोना भाग गया है। डर लग रहा था कि घाट पर आएंगे, पहले तो मना हो गया था ना, तो थोड़ा करके इतना भीड़ नहीं है तो इतना सही है। सिर्फ परिवार के कुछ लोग आए, चुनता लोग आए। पहले कितने लोग आते थे पूजा करने? पहले तो जगह भी नहीं मिलती थी यहाँ पे, अब तो बहुत कम आए, घर से भी कम आए। बहुत से लोग घरों पे पूजा कर रहे हैं, तो आपकी रिश्तेदारी में सब लोग घरों पे पूजा कर रहे हैं कि सब घाट पर आए हैं? नहीं, बहुत से कर रहे हैं घर पे कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार कम ही लोग घाट पर पहुंचे हैं। अधिकांश लोगों ने घर पर ही गड्ढा खोदकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया है। इस बार रिश्तेदारों को पड़ोसियों को घर पर ही छोड़ कर आए हैं। सविता देवी नाम है। सविता जी, जैसे कि कोरोना काल के बाद ही यहाँ पे घाट पे भीड़ कम देखने को मिल रही है, कितने लोग आपके परिवार से आए हैं? हमारे परिवार से ज्यादा लोग नहीं आए हैं, बस हाँ। अब सब कोई कितने लोग तो अपने अपने छत पर कर रहे हैं, डर के मारे हम लोग भी सोच रहे थे जाए ना जाए जाए ना, इसलिए हम लोग का लेट हो गया घाट पर आने में। अब छठी मैया की कृपा है, छठी मैया जैसे पार लगाएगी मास, इसलिए जरूरी है ना? हाँ जरूरी तो है, लेकिन अब छठी मैया पार लगाएगी हम लोग को, इसलिए। सभी श्रद्धालुओं ने इस कोरोना महामारी के खत्म होने की भास्कर भगवान से मनोकामना मांगी है।